तू मुइये महल दी रानी मैं मुइये जंगले दा राजा। तू मुइये महल दी रानी मैं मुइये जंगले दा राजा। हो आया सोन महीना हो ऐसे पडर मचेला जाना। आया सोन महीना हो ऐसे पडर मचेला जाना। पडर मचेला जाना मैं आदा रज रज दर्शन पाना। पडर मचेला जाना मैं आदा रज रज दर्शन पाना। असे नच दिया गांदिया जाना हो चंडी मैया हगी मनाना। हो असे कुड़े पाए नचे नाते गाना चंडी मां शिव बोले ददरेशन पाना। चंडी मां साली दा भी छोड़ा किया सैना चंडी मां। तेरा दर छड़िए किया जाना चंडी मां। शिव बोले मेरे शिव शंभो मेरे शिव बोले मेरे शिव शंभो। हो मेरे शिव बोले हाय ऐसे मनी में शा जाना। ओ मेरे शिव बोले हाय ऐसे मनी में शा जाना। ओ मेरे शिव बोले हो ऐसे मनी में शा जाना। मेरे शिव बोले हाय ऐसे मनी में शा जाना। पहला डेरा चंबे हिलाना पहला डेरा चंबे हिलाना। लक्ष्मी नारायण दर्शन पाना लक्ष्मी नारायण दर्शन पाना। ओ मेरे शिव बोले हाँ नच दिया गांदिया जाना। ओ मेरे शिव बोले हाँ नच दिया गांदिया जाना। हो कुथे रखा तेरा रेशमी रुमाल कुथे रखा तेरा दिल अड़िए। हो कुथे रखा तेरा रेशमी रुमाल कुथे रखा तेरा दिल अड़िए। सभी को राम राम जी सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जी हमारे रियासी माहौर से यहाँ की बेटी वंदना चाड़क जी से। बड़ा अच्छा गाती हैं ये और आपने अभी सुनी लिए इनके दो भजन, एक भगवान शिव जी जी के ऊपर और एक माता रानी के ऊपर। और दोनों भजन इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है तो मैंने कहा कि आपको इनसे मिलवाता हूँ। इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और इनके बारे में जानते हैं कब से ये जो हैं सिंगिंग में आए हुए हैं। वंदना आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। आप रियासी के रहने वाले हैं, बताएंगे थोड़ा कब से आप गा रहे हैं और कितना ज़्यादा मतलब प्यार मिल रहा है लोगों का जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो डालते हैं। सर ऐसे तो मैं बचपन से कोशिश कर रही हूँ थोड़ा गाने की और जागरण वगैरह भी छोटे मोटे किए हमने और बहुत सारा प्यार मिल रहा है सबकी ओर से। बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ सबका कि इतना सारा प्यार मिल रहा है। पहले भजन को भी बहुत मिला है, इसको भी ठीक ही मिल रहा है और बहुत सारे ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं नेक्स्ट जल्दी से दूसरा भजन आपके लिए ला सकूँ या सॉन्ग भी करूँगी और भी। तो पहला आपका भजन कौन सा आया था इसलिए? पहला मेरा आया था पाडर मचेला जाना माँ चंडी माता का और दूसरा है शिव बोले मनी मेशा जाना भोलेनाथ जी का। बहुत अच्छा। आप कब से सिंगिंग लाइन में है? सर मैं बचपन से ही हूँ, कोशिश तो खुद ही करी, अभी और सीखेंगे भी। अच्छा। और कोशिश कर रही हूँ, सब प्यार देंगे तो और आगे और अच्छा करेंगे। तो ये एल्बम आने से पहले आप क्या कहाँ गाते वगैरह थे? जी ऐसे घर पे ही स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, जागरण वगैरह सत्संग वगैरह करती थी। अच्छा। वहीं से खुद ही स्टार्ट किया है। घर पे भी मम्मा पापा कथाएं वगैरह सुनाते थे थोड़ा बहुत, वो भी गाते थे तो वहाँ से भी थोड़ा सीख लिया। बहुत अच्छा जी। कोई डोगरी गाना सुनाएंगे आप थोड़ा सा जितने भी दर्शक हैं? हो कुथे रखा तेरा रेशमी रुमाल कुथे रखा तेरा दिल अड़िए। हो कुथे रखा तेरा रेशमी रुमाल कुथे रखा तेरा दिल अड़िए। तू मुइये महल दी रानी मैं मुइये जंगले दा राजा। तू मुइये महल दी रानी मैं मुइये जंगले दा राजा। हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ते तुस अपने ग्रां दे बारे भी दसगे, अपना जेड़ा लोकल जिथे तुस रहंदे हो उत्थे कैसा मतलब लोग सपोर्ट करदे न और फैमिली किन्ना सपोर्ट करदी है? जी फैमिली भी फुल सपोर्टेड है सर और लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गांव के लोग सब मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हमारे गांव का नाम रोशन करो।
तो मैं कोशिश में लगी हूँ कि सबका नाम रोशन करूँ, बस सबका माता रानी का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए। बहुत अच्छा वंदना। तो अब फर्दर और भी गाने आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, स्पोर्ट पे है सब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है सबको, तो सबकी स्पोर्ट होगी तो मैं वैसे वैसे सभी सॉन्ग लाऊंगी आपके लिए, भजन भी लाऊंगी। बहुत अच्छा, मैं आपकी इतनी सपोर्ट कर सकता हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल बता दें ताकि आपको लोग फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हैं वो भी आप बता सकते हैं। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल है वंदना चारक प्रेजेंट्स, और इस पे इंस्टा पे है वंदना चारक ऑफिशियल, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, खूब सारे ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द दूसरे भजन और सॉन्ग ला सकूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वंदना चाड़क जी बड़ा अच्छा गाते हैं और एक गांव से ताल्लुक रखते हैं, रियासी माहौर से, और गांव का नाम क्या बताया आपने? सजरू सर, सजरू। तो सजरू गांव, मेरा कभी वहाँ चक्कर लगा नहीं है वैसे, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा खूब सारा सपोर्ट करें वंदना जी को, पूरे जम्मू कश्मीर में लोग इनका चैनल सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें और इनके इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करें ताकि बच्चों को इस तरह से ही प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे जाके अच्छे अच्छे गाने सुना पाएं। धन्यवाद जी, सभी को राम राम।